नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा के चर्चित ईमानदार सांसद भानु प्रताप वर्मा के साथ श्याम सिंह सिसोदिया, राहुल अग्नोत्री, योगेंद्र द्विवेदी, पूर्व महामंत्री तथा मंडल अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के साथ अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नववर्ष मिलन समारोह को लेकर हुई बैठक करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं तथा जनता को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर किसान आंदोलन पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित को लेकर लगातार प्रयत्नशील है। इसके पहले भी विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर धारा 370 को लेकर कई षड्यंत्र रचे, लेकिन मोदी सरकार पर विश्वास रखने वाली भारत की जनता ने विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाते हुए मोदी सरकार पर विश्वास किया। इससे मोदी सरकार ने धारा 370 को हटाया तथा राम मंदिर का निर्माण कराकर भारत का सीना चौड़ा करते हुए विश्व में एक अपनी नई पहचान बनाई तथा भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। वही सांसद भानु प्रताप वर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशन देते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी ने भारत को तोड़ने का काम किया है, लेकिन जनता ने हर बार विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने का काम करते हुए अपना बहुमूल्य वोट देकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नई पहचान दी है। मोदी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्र एक अलग पहचान बना चुका है तथा पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार ने राष्ट्रहित को लेकर कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे राम मंदिर, धारा 370, NRC जैसे अहम फैसले लेते हुए भारत को अखंड राज का सपना बनाने का संकल्प लिया। सरकार पूरी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, POK, अक्साई चीन को लेकर लगातार प्रयत्नशील है और ये सब संभव तब होगा जब राष्ट्र की जनता का समर्थन केंद्र सरकार को लगातार आशीर्वाद के रूप में मिलता रहेगा। बहुत लंबा कालखंड गुजरा जब राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लोगों ने लड़ाई लड़ी और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सैकड़ों लोग इसमें शहीद हो गए, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए अयोध्या में, और वो लड़ाई में अंतिम लड़ते 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 केंद्र सरकार के सहयोग से जब जैसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, सुप्रीम कोर्ट को लगातार माननीय मोदी जी अवेलेबल कराते रहे और उनके जो एक डिसीजन का एक रास्ता था वो साफ किया और राम मंदिर पक्ष में एक निर्णय हुआ। अभी लगभग 1 तारीख से जो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघ, जो मात हमारा संगठन राष्ट्रीय सहयोग संघ के नेतृत्व में हम सारे लोग गांव-गांव निकलेंगे, क्योंकि राम का मंदिर नहीं बन रहा है, वो हिंदू समाज के स्वाभिमान का मंदिर बन रहा है। स्थान पर कब्रिस्तान के लिए नहीं दिया जाएगा और जहां पर उन लोगों ने निवासी कब्र बना दी उसी के ऊपर कजरिया रख करके मेला प्रारंभ होता है। मैंने स्वयं कहा था कि अगर इन लोगों ने जबरदस्ती निवासी कब्र बनाई है, यहां पर कब्र नहीं है लेकिन निवासी कब्र बनाई है, तो कजरिया वहीं रखी जाएगी, वहीं से मेला निकाला जाएगा, जो कुछ होकर देखा जाएगा। लेकिन गाँव वाले उस सारी परिस्थितियों को, उन विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए, मुकदमों को झेलते हुए आज उस जगह पर पूरा का पूरा गाँव इतना बढ़िया कजरिया का मेला लगता है और सारा सब कुछ होता है। घर घर तक लेकर के सिलाई लेकर गए, पूजन कराया हम लोगों ने, पाद का पूजन की, राम की खड़ाऊ रख करके उसकी पाद का पूजन की हम लोगों ने, एक ज्योति ले लेकर के घर 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 तक पहुंचाया था। और मुझे याद है कि उतना बड़ा जुनून राजनीतिक जीवन में मैंने तो कभी उस जुनून को देखा ही नहीं था। कौन कहां से किस प्रकार से छिप छिप करके परिंदा पर ना मार पाए, ऐसे भाषण देने के बावजूद भी जिस प्रकार से हमारा हिंदू समाज उद्वेलित होकर के अयोध्या में पहुंच करके उस ढांचे को ढाने का जो काम किया था, आज उस स्वर्णे मौसर हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या ढाया गया उस ढांचे में हमारे सामने वो राम का मंदिर बन पाएगा, कभी हमने कल्पना नहीं की थी। उनको अभी हम सब लोगों ने सुना है, पंचलाल कटियार जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्याम सिंह सिसोदिया जी, पूर्व अध्यक्ष जो निवर्तमान अध्यक्ष है इन्हें हम पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं, ऐसे आदरणीय राहुल अग्नोत्री जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष है, कुंज सिंह कटेरा जी हमारे गांव में, ये अपना गांव और यहाँ सांसद जी आप सब लोगों के बीच में इस मंच पर हमारे अभिभावक के रूप में
हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय माननीय श्री भानु प्रताप जी वर्मा, पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्याम सिंह जी सिसोदिया, हमारे प्रिय और हमसे छोटे भाई निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी अग्नोत्री, राकेश जी, नरेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी अखिलेश दीक्षित जी, श्री मोहन जी और हमारे बड़े भाई जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर अंजनी कुमार जी, शुक्ला जी, हमारे अबाबा थे दीक्षित जी, हम सब लोग उनका अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, क्योंकि इस देश की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सांसद जी जितना व्यग्रता और व्याकुलता के साथ चिंतित रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और गंभीरता के साथ उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। आज शाहजहांपुर में आने का मौका मिला, बहुत समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और क्योंकि यहाँ वक्ता काफ़ी लोग हैं, सभी को मौका मिले और जिनका विचार आप सुनना चाहते हैं माननीय सांसद जी का, उसमें हम बाधा न बने, इसलिए जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। आज शाहजहां कस्बे में आपका आगमन हुआ है वकील साहब के यहाँ, तो क्या उद्देश्य था और नए वर्ष को लेकर आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? भैया इनकी सुन लो, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं उन लोगों को देने के लिए। और हमारे जो हरमोहन भाई साहब हैं, उन्होंने यहाँ कार्यकर्ताओं को आम श्रद्धिजीवियों को इकट्ठा किया था, ये जाहिर कर चुकी हम एक नया पेपर अमन यात्रा से प्रारंभ हो रहा था, उसके उद्घाटन में मैं आया था, वहीं मुझे सूचना मिली कि यहाँ हमारे कार्यकर्ता एक जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से हम यहाँ आए। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है, देश के सभी इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।